आशिक हो तो ऐसा हर खिलाड़ी या फनकार चाहेगा कि उसका एक ऐसा प्रस्तार हो जैसा सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। बात हो रही है एक चीनी दीवाने की जिसने साइकिल पर 13,000 किलोमीटर का सफर सिर्फ इसलिए तय किया ताकि वो सऊदी अरब जाकर रोनाल्डो से मिल सके। साइकिल पर क्यों? इसलिए कि इस शख्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जहाज का टिकट खरीद सके। जहाज से जाता तो रास्ता 5,700 किलोमीटर का पड़ता, लेकिन इस मद्दाह ने सिर्फ 3 मिनट की मुलाकात के लिए आधा साल खर्च कर दिया। अनजान रास्तों से होते हुए ये बंदा किसी न किसी तरह अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। इसकी कोशिश का सुनकर अल नसर क्लब और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इससे मुलाकात का एहतमाम भी किया। अपने रोल मॉडल रोनाल्डो से मिलने के लिए चीन से रियाद तक का सफर इस शख्स ने 6 माह और 20 दिन में मुकम्मल किया। पुर्तगाल की जानिब से इंटरनेशनल फुटबॉल खेलने वाले रोनाल्डो सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की जानिब से अल शहाब क्लब के खिलाफ मैच खेलकर बाहर निकले और इस शख्स से अल नसर क्लब के बाहर मुलाकात की, इसके साथ तस्वीर खिंचवाई, अल नसर की जर्सी पर ऑटोग्राफ दिया और एक खास बैनर पर भी साइन किया। मेरा ख्वाब सच्ची मोहब्बत और आजादी है, इस बैनर पर चीनी जबान में लिखा था। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीर में चीनी परस्तार की खुशी को बआसानी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर रोनाल्डो के इस चीनी मद्दा के अज़्म और जज्बे को सराहा जा रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शुमार दुनिया के बड़े फुटबॉलर्स में होता है जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।